हरे कृष्णा। दिल्ली व एसआरएच के बीच में 22 तारीख को मैच है, तो हमने इस बार ड्रीम 11 के प्लेयर्स लिए हैं और ड्रीम 11 के प्लेयर की हम प्रिडिक्शन करेंगे। यहाँ इस बार हमने स्पेशली एक एक टीम के प्लेयर नहीं लिए हैं कि जैसे पहले हम दिल्ली के या फिर एसआरएच के प्लेयर के देखें कि कैसा प्रदर्शन रहेगा, वो नहीं है। इस बार दोनों के मिक्स करके हमने प्लेयर्स के नाम लिए हैं और अब देखते हैं कि टैरो कार्ड हमें उसके बारे में क्या बताते हैं, कैसा उनका प्रदर्शन रहेगा, कैसा उनका ये मैच रहेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने नाम लिया है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? ओके, ये एक नेगेटिव कार्ड है, ही विल नॉट प्ले गुड। डब्लू शाह करके है, उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? ये एक पॉजिटिव कार्ड है, डब्लू शाह का प्रदर्शन इस मैच में अच्छा रहने वाला है, ही विल प्ले गुड। फिर है शिखर धवन, जो धवन है उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? एवरेज कह सकते हैं इसको हम, कि अगर सूझबूझ के बातचीत करके अगर ये खेलेंगे, किसी अच्छी सलाह से खेलेंगे तो ये अच्छा खेलेंगे, ही विल प्ले गुड। शिखर धवन के लिए हम ये कह सकते हैं, ही विल प्ले गुड। पृथ्वी शॉ, जो पृथ्वी शॉ है उनका कैसा प्रदर्शन रहेगा? वाओ, कप्स का कार्ड है, ये बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा कार्ड है, तो पृथ्वी शॉ ही विल प्ले गुड। डेविड वार्नर के लिए कैसा कार्ड है? पेज ऑफ मैन्स, ये भी एक पॉजिटिव कार्ड है, तो डेविड वार्नर के लिए भी हम यही कह सकते हैं कि ही विल प्ले गुड। मनीष पांडे जो हैं उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन है? वाह, ये भी एक पॉजिटिव कार्ड है, तो ये वेंस का कार्ड है और ही विल प्ले गुड, मनीष पांडे ही विल प्ले गुड। फिर है स्टीव स्मिथ इस मैच में कैसा खेलेंगे देखते हैं। ओके, ये एक नेगेटिव कार्ड है और इनके लिए हम ये कह सकते हैं कि ही विल नॉट प्ले गुड। जो विलियमसन है उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? कार्ड्स हमें बताएं। गुड, पेंटिकल का कार्ड है, ही विल प्ले गुड। फिर है एक नाम शिमरॉन हेटमायर, जो हेटमायर करके हैं उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? ओके, सेलिब्रेशन, ही विल प्ले वेरी गुड। अब्दुल शमद जो है उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? कार्ड समय बताएं। ओके, ये भी पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये भी बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है, तो इनके लिए भी कह सकते हैं ही विल प्ले गुड। विराट सिंह का इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? वाओ, किंग ऑफ कप्स, तो ही विल प्ले गुड। विराट सिंह के लिए भी कार्ड्स ने तो गुड बोला है, ही विल प्ले गुड। फिर है रहाणे, अजिंक्य रहाणे करके जो प्लेयर है, रहाणे, उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? ओके, ये एक नेगेटिव कार्ड है, ही विल नॉट प्ले गुड। फिर है एस रदरफोर्ड जो है उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ही विल प्ले गुड। जेसन रॉय करके जो एक प्लेयर है उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा? कार्ड हमें बताएं। व्हील ऑफ द फॉर्च्यून, ये पॉजिटिव कार्ड ही माना जाता है, वैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें इसमें होती हैं, लेकिन फिर भी इसको हम पॉजिटिव कार्ड मानते हैं, तो इनके लिए हम यही कह सकते हैं ही विल प्ले गुड। श्रेयस अय्यर जो है वो इस मैच में कैसा खेलेंगे? ओके, द वर्ल्ड, ये तो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अच्छा कार्ड है, ही विल प्ले गुड। फिर है जेसन
होल्डर कर गए, जेसन होल्डर, इनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? कार्ड समय बताएं। ओके द डेथ, ये एक नेगेटिव कार्ड है, तो यहाँ पे जो कार्ड ने हमें बताया है वो ये है कि होल्डर का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहने वाला है, ही विल नॉट प्ले गुड। उसके बाद है ए पटेल, ए पटेल करके जो प्लेयर हैं, ए पटेल का प्रदर्शन इस मैच में कैसा होगा? ओके बैलेंसिंग, बैलेंस बना के खेलने की कोशिश करेंगे, ही विल प्ले गुड। एम स्टोइनिस, स्टोइनिस स्टोइनिस करके ये जो है, एम स्टोइनिस जो ये नाम है, ये प्लेयर हैं, इनका कार्ड्स हमें बताएं, स्टोइनिस का प्रदर्शन कैसा रहेगा? कार्ड्स बताएं जरा। ओके ये भी बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है, इनका प्रदर्शन भी अच्छा रहने वाला है, ही विल प्ले गुड। वी शंकर, वी शंकर जो है उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा? एवरेज कह सकते हैं, उनके पास योग्यताएं क्षमताएं तो है पर वो सोच विचार कर रहे हैं, सोच में हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन आ सकती है, तो हम इनके लिए कह सकते हैं ही विल प्ले एवरेज। उसके बाद में हमने नाम लिए हैं आवेश खान, आवेश खान जो है उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा? ओके द हैंगमैन, ये भी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही साइड्स हैं इस कार्ड की, तो ही विल प्ले एवरेज। उसके बाद में हमने लिया है नाम राशिद खान, ये भी बॉलर हैं, इनका प्रदर्शन कैसा रहने वाला है? ओके ये तो नेगेटिव ही है कार्ड, ये कार्ड तो ये है कि आपके पास, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये कि नेगेटिविटी ही होती है, तो ही विल नॉट प्ले गुड। फिर है रबाड़ा, जो रबाड़ा है कंगीसो रबाड़ा, रबाड़ा का इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा? कार्ड्स बताएं। द मून, ये भी एक नेगेटिव कार्ड है, ही विल नॉट प्ले गुड। अमित मिश्रा, अमित मिश्रा का इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा? ओके वेंट्स का कार्ड, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कार्ड माना जाता है ये, ही विल प्ले गुड। अमित मिश्रा का जो कार्ड है, ही विल प्ले गुड। टॉम करन, जो टॉम करन है उनका प्रदर्शन इस मैच में कैसा रहेगा? कार्ड समय बताएं। एवरेज, टॉम करन जो है ही विल प्ले एवरेज। फिर है भुवनेश्वर कुमार, बी कुमार, भुवनेश्वर कुमार, इनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? कार्ड्स प्लीज हमें बताएं। ओके ये तो बहुत पॉजिटिव कार्ड और बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है, तो इनके लिए हम कह सकते हैं ही विल प्ले गुड। ईशान शर्मा, ईशान शर्मा का इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा? कार्ड्स हमें बताएं। नो नेगेटिव कार्ड है, ईशान शर्मा के लिए हम ये कह सकते हैं ही विल नॉट प्ले गुड। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये सारे कार्ड्स आप ही के सामने ओपन किए गए हैं, जिनमें से बहुत से प्लेयर्स के कार्ड्स बहुत पॉजिटिव और अच्छे ही आए हैं। तो ये थी हमारी टैरो रीडिंग और 11 वो जो ड्रीम 11 है उसी के आधार पे हमने कार्ड्स आज निकाले हैं, उन्हीं के जो नाम होते हैं वो कार्ड से हमने जानने की कोशिश करी है कि कैसा रहेगा। तो ये थी कार्ड की प्रेडिक्शन, और जो प्रश्न कुंडली की है वो हमारी प्रेडिक्शन ये है कि डीसी मे विन दिस मैच, जो दिल्ली है वो इस मैच को जीत सकती है, उसके जीतने की संभावनाएं अधिक दिखाई दे रही है। धन्यवाद।